बारिश के मौसम के बाद हम जो मैरीगोल्ड के पौधे होते हैं, जिसको हम गेंदे के पौधे भी बोलते हैं, ये हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ने लगाए भी हुए हैं, इसलिए मेरे जो लास्ट ईयर की वीडियो थी उसके नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि अगर हम अपने पौधों को कैसे बुशी करें, कैसे हमारे पौधों पर अच्छे फूल आएंगे जिसके कारण जो हमारा पौधा है उसकी क्वालिटी बढ़िया लगे। जैसे आप ये सभी मेरे पौधे देख सकते हैं, ये मैंने लास्ट ईयर बीज के द्वारा उगाए थे। और इसके साथ कौन कौन सी मैंने चीज़ें की थी आपको दोस्तों इस वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो जो मेरे पास सभी ये पौधे थे, ये मैंने अराउंड अगस्त में इसके जो बीज हैं लगा दिए थे। और उसके बाद जब 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आप कह सकते हैं सितंबर के एंड के आसपास इसके पौधे ऐसे दिखने लग गए थे। और इस वक्त दोस्तों जो मेरे पौधे थे इनमें बहुत अच्छे से जो कलियां हैं वो बनना शुरू हो गई थी और सभी जो पौधे बहुत हेल्दी दिख रहे थे। पर यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप अपने पौधों को बुशी करना चाहते हो, आपको पता है अगर आपके पौधे पे एक से ज़्यादा फूल आपको चाहिए, तो मैरीगोल्ड का पौधा एक ऐसा पौधा है अगर आप इसको एज इट इज़ बढ़ने दोगे तो सिर्फ इसमें एक ही फूल आएगा जो बहुत बड़ा आएगा। अदरवाइज़ जो आप देख सकते हो ये वाले मेरे पौधे हैं, इनमें बहुत अच्छे फूल आए हुए हैं। एक पौधे पर कम से कम 10 या 12 फूल जो हैं बहुत बड़े बड़े आए हुए हैं। अगर आप ऐसे फूल चाहते हो तो आपको सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप अपने मैरीगोल्ड के पौधे को लगाते हो, जब आपका पौधा थोड़ा सा सैपलिंग से बड़ी स्टेज पे आ जाता है, उसमें आपको जो सॉइल प्रेपरेशन करनी है कम से कम 30% जो गोबर खाद है वो आपको ज़रूर डालनी है। क्योंकि जो पौधे की जो बेस होता है उसकी जो मिट्टी में जो आपने चीज़ें डाली हैं वैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है। अगर आप देखेंगे आपने सिंपल सॉइल मिट्टी निकाल के उसमें लगा दिया ये पौधा, तो आपके पौधे में वैसा ही आपको दिखेगा कि एक आधा फूल ही आएगा, वो भी ज़्यादा समय के लिए नहीं टिकेगा। सो इसी के लिए सबसे पहले आपको इसकी जड़ को मजबूत बनाने के लिए आपने 30% गोबर खाद लेनी है, 70% आप कोई भी नॉर्मल सैंडी सॉइल है, गार्डन सॉइल है, जो भी है आपके पास वो लेनी है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, जब आपका पौधा इस स्टेज पे पहुंच जाए, जब इसके ऊपर जो कलियां दिखनी शुरू हो जाए पर बड़ी ना हो, इस वक्त आपको इसकी पिंचिंग भी ज़रूर करनी है। पिंचिंग के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, जो आपके पास सबसे ऊपर वाली जो बर्ड होती है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी दे जाती है, पर इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुत बड़ा तो खिल जाएगा, पर जो दूसरे जो बर्ड्स हैं जो इसकी सराउंडिंग में नई जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनसे निकलेंगी वो बहुत छोटी छोटी आएंगी। इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब भी आप कोई गेंदे का पौधा लगाते हो जिसपे बड़े फूल आते हैं, जो इंका वैरायटी होती है उसमें आप उसकी जो फर्स्ट बर्ड होती है या आप कह सकते हैं जो ऊपर वाली खिलने वाली जो एक कली होती है उसको तोड़ देना चाहिए। पर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको कैसे तोड़ रहे हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास जो कली बन रही है उसके नीचे एक पेयर ऑफ लीफ है जहाँ पर 2 पत्ते जो पौधे के निकले हुए हैं, उसके साथ हम उसको भी काट देंगे क्योंकि जो नई जो एक कली खिलती है उसके साथ 2 कली और आती हैं जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए कुल मिलाकर आप कह सकते हैं जो 3 कलियां होती हैं हमें वो तोड़नी पड़ती हैं। और आपको मैं अभी दिखा देता हूं कि कैसे मैं इसको प्रून करता हूं या फिर आप कह सकते हैं हाथ से जो पिंचिंग करता हूं। यहां पे आप देखें इसके साथ जो ऊपर वाली जो फ्रेश जो कली खिली थी इसको मैंने निकाल दिया है। ऐसे ही आप निकाल दें क्योंकि इसके साथ पौधा है जो बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा और जो साथ में जो दूसरी वाली ब्रांचेज आ रही हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से एनर्जी भी मिलेगी और आपके पौधे में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मैं एक और दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखें कि साथ में इसके 3 बर्ड्स हैं और ऊपर से हम इसको प्रून कर देंगे। प्रून करने के बाद दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपका पौधा खिलेगा नहीं दोबारा से, इसका उल्टा बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी क्योंकि अगर आप इसकी पिंचिंग करते हो तो गेंदे का जो पौधा है बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले लेता है और इसका जो फॉइलेज है वो बहुत बड़ा आता है। इसलिए पिंचिंग का एक बार करने में इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। हाइब्रिड में सिर्फ एक बार ही करनी चाहिए अगर आप गमले में लगाते हैं, अगर आप इसको लगाते हैं ज़मीन में तब आप इसकी 2 बार पिंचिंग कर सकते हो, पर एक बार करने के साथ भी आपको मोर देन इनफ जो ब्लूम्स हैं एक पॉट में मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं सभी पे मैंने इसको कर दिया है और हमारे जो पौधे हैं अभी रेडी हैं ब्लूमिंग के लिए। और इसका अपडेट मैं आपको अभी दिखा देता हूं क्योंकि ये मेरे लास्ट ईयर के पौधे थे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूंगा, आपने पिंचिंग तो अभी कर दी है, उसके बाद इसको जो खाद है देनी बहुत ज़रूरी रहती है। अगर आपके पास गोबर खाद है तब आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर DAP है जो डाइमोनियम फॉस्फेट होती है इसकी रूट ग्रोथ है उसको ज़्यादा बढ़ाती है, वो आपको जो चीज़ है डालनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आपका पौधा जब आप उसकी पिंचिंग करते हो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है सभी जगह से और बर्ड्स निकालने के लिए। आपके पौधे ऐसे खिलेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ एक आधा फूल आएगा वो भी ज़्यादा समय के लिए
नहीं टिकेगा। इसलिए ये जो प्रैक्टिस है आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप कोई भी मैरीगोल्ड का जो प्लांट है हमारे घर पे अगर पॉट में आप लगाना चाहते हो। और जो ये वाले पौधे हैं ये आपके जो फूल हैं कम से कम 30 दिनों के लिए आपके घर पर टिकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे पास डायमोनियम फॉस्फेट है इसके जो ग्रेनुअल्स हैं अभी हम इसकी जो मिट्टी के ऊपर डाल देंगे। जो भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हो गर्मियों में आपको 25 दिन का गैप रखना होता है, अगर आप सर्दियों में डालते हो तो उसका गैप आप 15 दिन कर सकते हैं क्योंकि पौधा आराम से जो फर्टिलाइज़र है वो ले लेता है और इतना ज़्यादा इसको ये इफ़ेक्ट भी नहीं करता है। इसीलिए जब आप कोई भी गेंदे का पौधा लगाते हो याद रखें जब भी आप इसकी प्रूनिंग करते हो या फिर इसकी पिंचिंग करते हो इसको खाद देनी भी बहुत ज़रूरी है जिसके साथ जो पौधे की ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहे, इसमें कोई भी रुकावट ना आए। ऐसे दोस्तों आप भी अपने पौधों की पिंचिंग करिए जिसके साथ जो पौधे हैं बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे और साथ वाली जो ब्रांचेस हैं ये बहुत अच्छे से आएंगे। अगर आपके पौधे में जो कर्लिंग की डिसीज़ आती है काफ़ी सारे लोगों के मैरीगोल्ड के प्लांट्स में आती है, इसके लिए आप फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हैं साफ कंपनी का, उसके साथ भी कर्लिंग है वो सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज़ काफ़ी बार ये वायरस भी होता है, उसमें सिर्फ एक ही आपका उपाय रहता है कि आप उस पौधे को उखाड़ दें जिसके कारण जो वायरस है वो आगे वाले पौधों में ना ट्रांसमिट हो सके जिसके साथ जो आपके पौधे हैं बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करें। ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी पूछा था और ये अभी जैसे गेंदे के पौधे काफ़ी लोगों ने तो अभी ग्रो कर लिए होंगे इसी स्टेज पे पहुंच भी गए होंगे। इसके लिए अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पिंचिंग जरूर करनी चाहिए और साथ में इसको DAP है जो ग्रैनुअल्स हैं वो भी 15 दिन बाद देनी चाहिए जिसके साथ पौधों की जो ग्रोथ है बहुत बढ़िया तरीके से होगी और आपको एक पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल मिलेंगे। काफ़ी बार जो मेरे पौधे बहुत ज़्यादा फूलों से भर जाते हैं इसके लिए मुझे इसको सपोर्ट भी देनी पड़ती है क्योंकि ये अपना भार ही भी नहीं झेल सकते होते हैं। इसीलिए जो मैरीगोल्ड का प्लांट है इजी टू ग्रो है पर अगर आप सही समय पे इसकी सही केयर करोगे कैसे इसको लगाओगे वो बहुत ज़रूरी रहता है, मिट्टी अच्छी बनाओगे तो आपका पौधा बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। ऐसे दोस्तों आप भी अपना जो मैरीगोल्ड का पौधा है इसको ग्रो करिए। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिसके कारण आपकी जो सॉल्व क्वेश्चन है मैं जब आपका प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके बीज भी दोस्तों आपको मैं जल्दी उपलब्ध करा दूंगा क्योंकि जिस सेलर से मैं लेता हूं वो सभी पैकेट सभी प्रिपेयर हो रहे हैं, आपको अच्छी क्वालिटी के F1 इम्पोर्टेड सीड्स वहां से मिल जाएंगे और ऐसी ही जो फूल हैं आपके पौधों पर भी आएंगे। हमेशा याद रखें अगर आप पौधा लगाना चाहते हो बीज का चुनाव भी अच्छा करें। काफ़ी बार हम सस्ते के चक्कर में ऐसे पौधे के जो बीज ले लेते हैं जो अच्छे से खिलते नहीं और बाद में डिसअपॉइंटमेंट रहती है, इसीलिए आप थोड़ा सा बीज पर भी अच्छा इन्वेस्ट करके अपने पौधों के जो फूल हैं अच्छे लें और इससे भी आगे आप इनके पौधों के जो फूल हैं वो सेव कर सकते हैं। पर जितना मैंने देखा है कि जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं जो इंपोर्टेड जो सीड्स होते हैं इनके बीज कम ही बनते हैं, इसके लिए ये नए ही लेने पड़ते हैं अगर आप F1 क्वालिटी अच्छे क्वालिटी के जो पौधे हैं अपने बालकनी में देखना चाहते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम माई चैनल। इफ यू डू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग मैरीगोल्ड प्लांट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर ईच एंड every doubt. Thank you so much for watching.